मामू ये अच्छा नहीं कह रहे आप। आपका होने वाला दामाद हूँ मैं, मुझे हल्का लेना काफी भारी पड़ सकता है आपको। हर इंसान अपनी हैसियत खुद बनवाता है। मामू आपने जबान दी थी कि रुतबा मेरी इमानत है, मुझे इख्तियार होना चाहिए कभी भी उसे हासिल करने का तकाजा कर सकूं। हाल तमश जुबान दी थी मंगनी के वक्त, लेकिन एक जुबान तुमने और तुम्हारी माँ ने भी दी थी, उसके बारे में क्या कहते हो? वो बात और है मामू, अब रुतबा अगर पढ़ना नहीं चाहती तो आप उसे मजबूर कैसे कर सकते हैं? ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, लेकिन तुम्हारा मुतालबा मुआहदे के खिलाफ वर्जी है। और अगर तुम माँ बेटा ये समझ के आए हो कि रुतबा के जज्बात को हथियार बनाकर उसके बाप के खिलाफ इस्तेमाल करोगे तो कान खोल कर सुन लो। रिश्ते के लिए हाँ का इख्तियार मेरे पास था तो ना का इख्तियार भी मेरे पास ही है। मैंने ना तो रुतबा को यह इख्तियार दिया है और ना ही अपनी विरासत में उसको नामजद किया है, और कोई मुझे इन बातों के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और मेहर अली की मुहर के बगैर रुतबा का कोई भी फैसला सिर्फ कागज का पुर्जा होगा, जिसकी ना कोई वक्त है ना अहमियत। मामू ये अच्छा नहीं कह रहे आप। आपका होने वाला दामाद हूं मैं, मुझे हल्का लेना काफी भारी पड़ सकता है आपको। हर इंसान अपनी हैसियत खुद बनवाता है, दूसरे सिर्फ तस्दीक करते हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो। और सुनो सनोबर, भाई की बहन बनकर इस घर आना चाहो, दरवाजे खुले और दिल कुशादा मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर मेरी बेटी की सास बनकर आना चाहो, संभल के आना। अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। रुतबा की शादी उसकी ग्रेजुएशन के बाद होगी, खा किसी से भी हो।